राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कार्यक्रम गुड़िया की शादी। गुड़िया की शादी तो हो गई, अब दावा शुरू होगी। कितनी सारी चीजें हैं खाने के लिए, टॉफी, बिस्कुट, केले, पकौड़े, और बाद में मेरी माँ शरबत बना कर देगी। शरबत भी? अरे वाह, मजा आ जाएगा। मैंने गुड़िया के लिए माला बनाई है, उसके लिए लहंगा मेरी मम्मी ने बनाया है, तभी तो गुड़िया दुल्हन बनी है। और मैंने बाजा कितनी जोर से बजाया। ओ हो, लेकिन मेरा गुड्डा नहीं होता तो गुड़िया की शादी कैसे होती, फिर दावत भी नहीं होती। हो जाती जी, गुड़िया की शादी फिर भी हो जाती। किससे होती? बिना दूल्हे के कोई शादी होती है? अगर मेरा गुड्डा दूल्हा नहीं होता तो तेरी गुड़िया की शादी किससे होती? मैं अपनी गुड़िया की शादी बबलू के गुड्डे से कर देती, है ना बबलू? हाँ, बबलू के गुड्डे से। बड़ा अच्छा है ना बबलू का गुड्डा। देख मीनू, मेरे गुड्डे को कुछ मत कहना। हाँ, कहूंगी। तेरा गुड्डा गंदा सड़ियर सड़ा करेला। अच्छा, तो ये बात है, ले मीनू। हाँ, देख मेरा गंदा गुड्डा है ना, ले। रुक जा मीनू, मत जाना। देख बबलू, तेरी वजह से मीनू गुस्सा होकर चली गई। तो उसने मेरे गुड्डे को सड़ा करेला क्यों कहा? तो इतनी सी बात पर तूने उसे चांटा मारा? मेरी गुड़िया की शादी का सारा मजा खराब कर दिया तूने। मैं माँ से कहूंगी। माँ। क्या है पिंकी? क्या बात है बेटा, गुड़िया की शादी हो गई क्या? अरे गुड्डा कहाँ है और ये मीनू कहाँ है, दिख नहीं रही? माँ, मीनू गुस्सा होकर चली गई, गुड्डा भी ले गई, उसे बबलू ने थप्पड़ मारा। क्या? उसने पहले मेरे गुड्डे को सड़ा करेला कहा था। ओ, तुम लोग बिना लड़े कोई काम नहीं कर सकते।
इतने दिनों से गुड़िया की शादी की तैयारी कर रहे थे और आखिर लड़ाई कर ली। बबलू ने की थी माँ। मीनू ने मेरे गुड्डे को सड़क करला क्यों कहा? ओफो, फिर हुई बातें। अब तुम लोग आपस में लड़ोगे क्या? नहीं माँ। तो जाओ मीनू से माफी मांगकर उसे बुला लाओ, कहना कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। और सुनो, अगर वो ना आए तो कहना कि हमारी माँ बुला रही हैं। नहीं आओगी तो बहुत गुस्सा होंगी। अच्छा माँ। अच्छा माँ। अरे राजू शरबत पियो बेटा। मिठाई तुम कुछ नहीं खा रही, पकौड़े तो खाओ। नहीं नहीं मौसी जी बस। अरे भाई शर्माओ मत, गुड़िया की शादी है, जी भर कर खाओ पियो। मौसी जी बाद में आप हमें कहानी सुनाइएगा। हाँ हाँ मौसी जी, अच्छी कहानी। अच्छा ठीक है, तुम लोग पहले खा पी लो, फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। हमने तो खा पी लिया, अब आप कहानी सुनाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुनो कहानी, ध्यान से सुनना सब बच्चे। बहुत दिन पहले की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर, चीते, भालू, बंदर, खरगोश, हिरन, हाथी और लोमड़ी भी। हाँ हाँ, हिरन, हाथी और लोमड़ी भी। और रहते थे बहुत सारे पक्षी, चिड़िया, तोते, मोर, बुलबुल और बिल्ली भी। अरे बुद्धू, बिल्ली पक्षी थोड़ी होती है, जानवर होती है। तो सब पक्षी और जानवर बड़े प्यार से जंगल में रहते थे, कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, मिलजुल कर सब काम करते थे। जानते हो एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? हिरन और लोमड़ी के बीच दौड़ हुई, जैसे तुम लोग रेस लगाते हो ना, वैसे ही हिरन और लोमड़ी ने रेस लगाई। सारे जानवर, सारे पक्षी रेस देखने आए। कोई बोला हिरन जीतेगा हिरन, और दूसरा बोला लोमड़ी जीतेगी, वो बहुत तेज दौड़ती है। तभी शेर ने आवाज लगाई, चुप हो जाओ, सब शांति से बैठ जाओ, अभी रेस शुरू होगी। हिरन, लोमड़ी, दौड़ के लिए एकदम तैयार रहो, मेरे तीन कहते ही दौड़ शुरू कर देना। तैयार, एक, दो, तीन। हिरन और लोमड़ी ने दौड़ना शुरू किया। सब जानवरों और पक्षियों ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। फिर कुछ जानवर कहने लगे कि लोमड़ी जीतेगी, और कुछ कह रहे थे हिरन जीतेगा। मौसी जी, जीता कौन? अरे सुनो तो, जीत हार तो बाद में होती, उससे पहले ही लड़ाई हो गई। लड़ाई कैसे? हुआ ये कि भालू कह रहा था लोमड़ी जीतेगी और बंदर कह रहा था हिरन जीतेगा। तो जोश में आके भालू ने बंदर को मुक्का मार दिया। मुक्का। फिर क्या, बंदर ने भी भालू को काट खाया। बस फिर तो दोनों में खूब घूंसेबाजी हुई। फिर दोनों के दोस्त भी लड़ने में जुट गए, और फिर तो हिरन और लोमड़ी भी दौड़ छोड़कर लड़ने लगे। खूब डिशू डिशू हुई। हाँ हाँ, खूब लड़ाई हुई। चीते ने गधे को घूंसा मारा, गधे ने बंदर को लात मारी, बंदर ने चीते का कान खींचा। फिर सब ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह हुई, सूरज निकला, चिड़ियों ने गाने के लिए गला साफ किया। चू चू। लेकिन फिर उन्हें याद आया, अरे
हमने तो सबसे कुट्टी कर ली है, तो हमारा गाना सुनेगा कौन? तो चिड़िया चुप बैठी रही। चिड़िया नहीं बोली तो बंदर भी नहीं जागे। उनकी आवाज से जागने वाले दूसरे जानवर भी सोते रह गए। सब सोते ही रह गए? नहीं नहीं, पर सब बहुत देर में जागे, जब धूप तेज हो गई ना तब। फिर हिरन चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे रहे, बंदर पेड़ों पर बैठे रहे, खरगोश घास में बैठे रहे, कोई किसी से नहीं बोल रहा था, सब उदास थे। ऐसे ही जब बहुत देर हो गई तो हाथी बोला, अरे दोस्तों, हम लोग इस तरह कब तक रहेंगे? एक दूसरे से रूठे, एक दूसरे से नाराज, आखिर हमारा झगड़ा क्या है? कुछ भी तो नहीं। कल सबने बड़ी बेवकूफी की, लेकिन आज तो नया दिन है, कल की बात भूल जाओ और हंसी खुशी से रहो। हाथी की बात सुनकर भालू बोला, हाँ दादा, कल की बात याद करके मुझे बड़ी शर्म आ रही है। फौरन ही बंदर बोला, भालू भैया, मुझे माफ कर दो। बस फिर तो गधा, चीता, हिरन, लोमड़ी सब आ गए और हाथी के साथ मिलकर गाने लगे। मिलजुल कर हम खेले कूदे, मिलजुल कर हम खेले कूदे, काहे को हम करें लड़ाई, काहे को हम करें लड़ाई, खुशी खुशी हम काम करें सब, खुशी खुशी हम काम करें सब, मिलकर खेले कूदे भाई, मिलकर खेले कूदे भाई। मिलजुल कर हम खेले कूदे, काहे को हम करें लड़ाई, खुशी खुशी हम काम करें सब, मिलकर खेले कूदे भाई, मिलकर खेले कूदे भाई, मिलकर खेले कूदे भाई, मिलकर खेले कूदे भाई। मौसी जी, यह तो बड़ी अच्छी कहानी है। अच्छा, तुम्हें अच्छी लगी ये कहानी? हाँ, अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तो चलो हम सब मिलकर भी एक गीत गाएं। मिलजुल कर हम सदा खेलते, मिलजुल कर हम सदा खेलते, मिलजुल कर करते सब काम, मिलजुल कर करते सब काम, कभी न करते रगड़ा झगड़ा, कभी न करते रगड़ा झगड़ा, लड़ने का ना लेते नाम, लड़ने का ना लेते नाम। मिलजुल कर हम सदा खेलते, मिलजुल कर करते सब काम, कभी न करते रगड़ा झगड़ा, लड़ने का ना लेते नाम, लड़ने का ना लेते नाम, लड़ने का ना लेते नाम। गुड़िया की शादी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख मधु जोशी, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार वीना होरा, मालती कौशिक, यमन कौशिक, हेमंत होरा और नीरजा गुलेरिया, गायन स्वर कुकु माथुर और बच्चे, संगीत महेंद्र सरीन, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम और निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरा।